होते हैं, अगर जिस भी रूप में, चाहे वो माँ बाप को देख रहे हो, पत्नी को देख रहे हो, मित्र को देख रहे हो, अगर आप 3 से 4 मिनट सिर्फ हाथ जोड़कर उन्हें देखते रहें तो आप अपने आप उनसे जुड़ जाएंगे। मतलब योग का सही अर्थ जो है यूनियन, वो आप महसूस कर पाएंगे। योग जो है वो बताने या सिखाने वाली चीज़ नहीं होती, योग अनुभव की चीज़ होती है। और अगर आप मेरा विश्वास करेंगे तो भी आप सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो भी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप योग करें और इसको एक्सपीरियंस करें। वर्ल्ड योगा डे कम से कम एक मुहिम के तौर पे मैं देखूं तो आज जिस हिसाब से स्ट्रेस है, आज जिस हिसाब से लोग परेशान हैं, जिस हिसाब से आज अपने आप को लोगों ने मतलब चारों तरफ से घेर दिया है, उसमें अगर योग आ जाए तो आप अपने आप को थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जो सही अर्थ है योग का कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन माई माइंड, उसका अनुभव शुरू कर देंगे। क्योंकि आपके अंदर 3 लोग रहते हैं, उन 3ों का अनुभव आपको अलग अलग होगा। तो मैं तो यही देख रहा हूँ कि 21 जून शुरुआत नहीं होनी चाहिए, 21 जून एक आगाज़ होनी चाहिए कि भैया सही चीज़ मिल गया है, हमें बता दिया गया कि हमारा देश आज तक मदर्स डे, फादर्स डे, लेबर डे सब कुछ वेस्ट से आया है। ईस्ट का और हमारे देश का सबसे पहला एक मुहिम है जो वर्ल्ड योगा डे, और लोगों ने 177 कंट्री ने इसको रिकॉग्नाइज किया। इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया, खुद बहुत बड़े योगी हैं इसलिए शायद आज विश्व भर में इतने फेमस हैं। तो योग से बहुत फ़ायदे हैं, ना सिर्फ फिजिकल लेवल पे बट मेंटल लेवल पे, आपके ऑरा के लेवल पे और आपके खुद के लेवल पे, आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे। चलिए, जिस तरह से पूरे योग को लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रही है, जो एक समुदाय को लेकर भी बातें कही जा रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बताइए कि जो भी जिस भी धर्म के हों, योग, क्योंकि योग जो है वो एक बिलीफ सिस्टम नहीं है। रिलीजन को मैं कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम मानता हूँ कि मेरे पिताजी ने या मेरे पिताजी के पिताजी ने माना, ये समझा, उस चीज़ को इन्होंने फॉरवर्ड किया। अगर आप सिर्फ मेरी बात करें तो मैं बिल्कुल ही नॉन रिलीजियस आदमी हूँ। मैंने अपने आप को योग में ढालना शुरू कर दिया है, योगी बनना शुरू कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि महसूस हुआ कि कोई हिंदू मुसलमान, वो जो हम लोग कहानियों या किस्सों में सुनते थे कि भाई हमारे खून का रंग अलग नहीं है, लाल है, सब कुछ है, एक्चुअली देखा जाए तो पूरा ह्यूमन सिस्टम जो क्रिएशन है वो सारा क्रिएशन एक ही तरह से फंक्शन करता है। तो उसमें धर्म के लेवल पे आप फंक्शन कैसे अलग कर सकते हैं? आपका इंटेस्टाइन भी वही हार्मोन सिक्रीट करता है। अगर आपको कैंसर होता है, कैंसर भी तो ये कभी नहीं देखता कि आप मुसलमान हैं तो मुस्लिम को नहीं होंगे, हिंदू को होना चाहिए, नहीं नहीं ईसाई को होना चाहिए, नहीं सिख को होना चाहिए। जब बीमारियों को नहीं पता है कि आप किस धर्म के हैं, जब आपको पकड़ते हैं, तो जब आप स्वस्थ रहते हैं तो आपको कैसे पता कि आप इस धर्म के हैं? अगर आप उस धारणा से बाहर निकल करके योग को मात्र योग के रूप में देखें, चलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज के तौर पे देखें, अगर आप सूर्य नमस्कार ही कर लें, सूर्य नमस्कार, किसी को नमस्कार करने में आप अंग्रेज और हिंदुस्तानी और रशियन नहीं हो जाते हैं। ये एक भावना है, ये एक जनरल जिसको बोलते हैं कि एक मुद्रा है, एक मुद्रे की अपनी लोगों के समझ में आती है, इसलिए कुछ लोग करते हैं, कुछ लोगों को नहीं आती है, फिर भी करते हैं क्योंकि ऐसा सिखाया गया है। बट इसका फ़ायदा अगर आप अपने शरीर में देखें, आप अपने मन में देखें, तो मुझे लगता है कि धर्म से तो ऊपर उठ ही जाएंगे आप। कुछ नहीं, मैं यही कहूँगा कि वर्ल्ड योगा डे को इतनी आसानी से सिर्फ एक डे मान करके ना बिताया जाए, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। 21 जून को एक होता क्या है कि जैसे जो हमारा हिंदू कैलेंडर है, वो हिंदू कैलेंडर एक रिसर्च के बाद बना हुआ हिंदू कैलेंडर है। उसके हिसाब से इस साल 21 मार्च को हमारा न्यू ईयर शुरू हुआ था। उसके पीछे भी कारण है क्योंकि अर्थ जो है जो अपने ध्रुव पे घूम रहा है, एक्सिस पे, वो थोड़ा सूरज की तरफ टिल्ट हो जाता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज के बहुत पास आ जाता है, क्योंकि वो 25 दिन का टाइम होता है जिसमें सूर्य धरती जो है वो अपनी बैटरी चार्ज करती है, क्योंकि उसको पूरे साल घूमना है, इसलिए न्यू ईयर मनाया जाता है। वेस्ट का न्यू ईयर अलग होता है, उन्होंने दिन के हिसाब से बना दिया, लेकिन हमारे पीछे पूरा साइंस है। 21 जून के पीछे भी इसी तरह का कुछ साइंस है। पूरा एक शिफ्ट होता है कि अभी तक आपने जो कुछ भी किया है, अगर आप
अवेयर हो जाए, कॉन्शियस हो जाए, तो 21 जून से आपको फील होगा कि आपके बॉडी के अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही है। अगर आप अवेयर होंगे तो आपको लगेगा कि मुझे खाना शायद नहीं खाना चाहिए, अवेयर होंगे तो लगेगा कि नहीं मुझे इस तरीके से बात करनी चाहिए। सहजता आती है बहुत ज़्यादा, और भी है जो कि छोटा वक्त है, समझाया नहीं जा सकता है लेकिन लेकिन इतना कहूँगा कि वर्ल्ड योगा डे को वेस्ट ना करें, हमारे देश को बहुत बड़ी और बहुत अहम और बहुत इम्पोर्टेंस मिला है, इस इम्पोर्टेंस को सेलिब्रेट करें, इसको भी एक तरह से राष्ट्रगान की तरह उतनी ही इज्जत दें जितना आप अपने आप को देते हैं। नमस्कार, थैंक यू सो मच। इसमें तुम्हारा घी का दिया जलता रहता है, चेंज किया है बहुत सही। स्पीकर रहता है, हाँ वो तो बस नीचे अपना है।